नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है फायरबोल्ट लेगेसी स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है फ्लिपकार्ट पे और आपको मिलती है 3799 में। हालांकि अगर आप इसे फायरबोल्ट की वेबसाइट से परचेस करोगे तो आपको वॉच मिलेगी केवल 3230 रुपीज में, मतलब कि आपको मिलेगा 560 रुपीज का डिस्काउंट। लेकिन उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक डिस्काउंट कोड जो मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर आपको चाहिए डिस्काउंट कोड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। यह है एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच और इसमें है 1.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 600 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ। इसमें है ऑलवेज ऑन का फीचर, 100 प्लस वर्कआउट मोड। इसके अलावा इसमें है कैमरा एंड म्यूजिक कंट्रोल, हार्ट रेट SP2 एंड BP सेंसर, स्मार्ट नोटिफिकेशन, मल्टीपल वॉच फेसेस, वॉइस असिस्टेंट, स्टॉक मार्केट ट्रैकर और ये है IP68 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, मतलब कि आप इसे पानी में 1.5 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। तो ये है स्टेनलेस स्टील वर्जन ब्लैक कलर में, दिखने में काफी बढ़िया और प्रीमियम लगती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है। इसमें आपको मिलती है मेटल बॉडी जो केस है जिंक एलॉय का है और ये जो स्ट्रैप्स है स्टेनलेस स्टील के हैं। साइड में है दो मेटालिक बटन्स। बैक की बात करेंगे तो बैक में है तीनों सेंसर्स, ऊपर में है यहाँ पे स्पीकर और नीचे है माइक। इस स्ट्रैप्स के लेंथ को चेंज करने के लिए आपको बॉक्स में कोई भी टूल नहीं मिलता, तो इसके लिए अगर आपको स्ट्रैप्स के लेंथ को चेंज करना हो तो आपको जाना पड़ेगा वॉच के शॉप में इसे एडजस्ट करने के लिए। हालांकि इन स्ट्रैप्स को आप जब चाहे तब रिमूव कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और इसे बाहर करना है। इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे के होल में पिन को अलाइन करना है, फिर ऊपर वाली पिन को नीचे खींचना है और होल में ऊपर में अलाइन करना है इस तरीके से। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से प्लेस करना है अपनी वॉच को इस चार्जिंग पैड पे और इसे अटैच करना है चार्जिंग अडाप्टर के साथ। तो आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में। या आप अपने पीसी या लैपटॉप में जो यूएसबी पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। इसमें है 330 mAh की बैटरी। इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 आवर, आपको मिलेगा 7 डेज का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 2 डेज का बैटरी बैकअप और अगर आप कॉलिंग प्लस AOD का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 1 डे का बैटरी बैकअप। इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो आपको ऊपर वाले बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है। आप अपनी वॉच को अपने फोन के साथ बिना पेयर किए भी यूज कर सकते हो। आपको स्किप पे टैप करना है, हालांकि कॉल और जो मैसेज है वो काम नहीं करेंगे, उसके लिए हमें करना पड़ेगा सेटअप। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है स्मार्ट टाइम प्रो। तो स्मार्ट टाइम प्रो को डाउनलोड कीजिए, आपको इसे करना है ओपन, एग्री कीजिए। आप अपनी वॉच को ऐप में बिना लॉगिन किए भी यूज कर सकते हो, तो हम करेंगे विदाउट लॉगिन पे टैप। आपको अपनी प्रोफाइल फोटो सेट करनी है, इसके अलावा अपना निकनेम यहाँ पे एंटर कीजिए, जेंडर सेट कीजिए मेल या फीमेल, नेक्स्ट पे टैप कीजिए। आपको अपनी बर्थडे सेट करनी है, मंथ डेट और ईयर, फिर आपको यूनिट में मेट्रिक सेट करना है और आगे करना है नेक्स्ट। हाइट सेट कीजिए सेंटीमीटर में, इसके बाद आपको वेट सेट करना है केजी में, फिर कीजिए नेक्स्ट। आपको डेली कितने स्टेप चलने हैं तो आप जो डेली गोल है उसे चेंज कर सकते हो यहां से जब चाहे तब, फिर आपको करना है नेक्स्ट पे टैप। अब बात करते हैं डिवाइस के सेटअप की, तो आपको डिवाइस पे टैप करना है। सबसे पहले हमें ऐड करना है डिवाइस को, तो हम करेंगे ऐड डिवाइस पे टैप। व्हाइल यूजिंग द ऐप पे टैप कीजिए, सेटिंग्स पे टैप कीजिए, अलाउ ऑल द टाइम कीजिए, बैक जाइए, अलाउ कीजिए, अलाउ कीजिए फिर से। इसके बाद यहां पे होगा सर्चिंग, आपको वेट करना है और यहां पे शो करेगा फायरबोल्ट 094, आपको इस पे टैप करना है। स्मार्ट वॉच में टिक पे टैप कीजिए, स्किप पे टैप कीजिए, तो जो स्मार्ट वॉच है आपके फोन के साथ पेयर हो चुकी है। इसके बाद आपको मिलेगा कॉलिंग का ये पॉपअप, आपको पेयर पे टैप करना है, मतलब कि आपकी वॉच में कॉलिंग का फीचर ऑन हो जाएगा। अब आप अपनी वॉच में भी कॉल को रिसीव कर पाओगे। लेकिन अगर आपको ये पॉपअप नहीं मिलता तो आपको जाना है अपने फोन के BT सेटिंग्स में, BP लॉन्ग टैप कीजिए और यहां पे आपको नीचे शो करेगा अवेलेबल डिवाइसेस में फायरबोल्ट 094 ऑडियो, आपको इस पर टैप करना है और करना है कनेक्टेड। तो यहां पे सबसे पहले है वॉच फेस गैलरी, मतलब कि आपको वॉच फेस को कैसे चेंज करना है, कैसे डाउनलोड करना है, तो आपको वॉच फेस पे टैप करना है। यहां पे आपको मिलते हैं 100 प्लस वॉच फेसेस। अगर आपको किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करना हुआ तो उसके नीचे लिखा हुआ है सिंक, आपको उस पर टैप करना है। तो मुझे करना है एक ऐसे वॉच फेस को डाउनलोड जिसमें बैटरी लेवल भी शो करे, तो ये रहा वॉच फेस, आपको सिंक पे टैप करना है।
तो इस तरीके से किसी भी वॉचपेस को आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो, जो वॉचपेस से अप्लाई हो चुका है और यहाँ पे नीचे शो करेगा बैटरी लेवल। आप वॉचपेस पे अपनी खुद की फोटो भी सेट कर सकते हो, तो आपको कस्टम वॉचपेस पे टैप करना है, कस्टम फेस पे टैप कीजिए, बैकग्राउंड पे आपको टैप करना है, कस्टम बैकग्राउंड पे टैप कीजिए, एल्बम को ओपन कीजिए, आपको जिस फोटो को सेट करना है आपको उस फोटो पे टैप करना है। मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पे टैप करूंगा, आप इसे अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हो, फिर आपको करना है डन पे टैप। तो टाइम को शो करने के लिए आपको मिलेंगे दो ऑप्शंस, एक है एनालॉग और एक है डिजिटल। अगर आप करोगे एनालॉग तो आपको यहाँ पे सेट करना है पॉइंटर को, अलग अलग आपको मिलेंगे पॉइंटर। इसके बाद स्केल भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, कन्फर्म कीजिए। अगर आपको डिजिटल टाइम शो करना है तो इस पे टैप कीजिए, कलर सेट कीजिए टेक्स्ट के लिए, फिर आपको करना है कन्फर्म पे टैप। ये जो टाइम है आप इसे कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो अपने हिसाब से। प्लेस करने के बाद फिर आपको यहाँ पे मिलता है ऑप्शन कि आपको यहाँ पे कौन कौन से डेटा को शो करना है, तो टैप कीजिए। अगर आपको शो करना है स्टेप्स को तो स्टेप्स पे टैप कीजिए। मैं हालांकि अब यहाँ पे ऐड करूंगा स्टेप्स और डिस्टेंस, आप चार ऐड कर पाओगे अपने हिसाब से, कलर भी आप चूज कर सकते हो उन टेक्स्ट के लिए। कन्फर्म पे टैप कीजिए, तो ये है डिस्टेंस, ये है स्टेप्स, इन्हें भी आप अपने हिसाब से कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो इस तरीके से। फिर आपको करना है सिंक पे टैप। इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉचपेस पे। जो फोटो है सेट हो चुकी है, आप देख सकते हो। आप अपनी वॉच में एक साथ 8 वॉचफेसेस को प्लेस कर सकते हो, हालांकि पहले 7 वॉचफेस फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। जो आखिरी वाला वॉचफेस होता है वही चेंज होता है। आगे है नोटिफिकेशन, तो आपको इस पर टैप करना है, कन्फर्म पे टैप कीजिए, स्मार्ट टाइम प्रो को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए, नोटिफिकेशन पे टैप कीजिए, SMS को आपको ऑन करना है, अलाउ कीजिए परमिशन को, और यहाँ पे आपको मिलेंगे कई सारे ऐप्स, और इसके अलावा आपके फोन में जितने भी ऐप्स होंगे वो सभी ऐप्स यहाँ पे शो करेंगे। अब इनमें से आपको कौन कौन से ऐप्स की नोटिफिकेशन रिसीव करनी है आपकी वॉच में, आपको उन ऐप्स को ऑन करना है। आगे है इनकमिंग कॉल, तो अगर आप चाहते हो कॉल का अलर्ट आपको शो करे आपकी वॉच में, तो आपको इस पे टैप करना है, ऑन कीजिए, कन्फर्म कीजिए, परमिशन को अलाउ कीजिए, ताकि जो कॉन्टैक्ट्स के नाम है आपकी वॉच में शो करे और आप अपनी वॉच में कॉल को रिसीव कर सको। अब देखते हैं अगर आपको कहीं भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो कॉल आ चुका है, इस तरीके से आपको कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा। आपको मिलेंगे दो ऑप्शंस, कॉल आने पर आपकी वॉच में होगा केवल वाइब्रेशन, रिंगटोन नहीं प्ले हो रही है, और अगर आपको इसे एक्सेप्ट करना हुआ तो आप यहां से एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आप करोगे एक्सेप्ट तो आपको मिलेंगे यहाँ पे चार ऑप्शंस, कॉल के वॉल्यूम को आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आपको कॉल को स्विच करना हुआ, जो कॉल है अब चल रहा है वॉच में, अगर आप चाहते हो कॉल ट्रांसफर हो जाए फोन में, तो आपको इस पे टैप करना है, जो कॉल होगा स्विच हो जाएगा आपके फोन में। अगर आपको वापस आना है वॉच में तो आपको इस पे टैप करना है। ये है माइक को म्यूट करने का ऑप्शन, तो अगर आप चाहते हो सामने वाले को आपकी आवाज ना जाए तो आपको इस पे टैप करना है। और ये है इस कॉल को कट करने का ऑप्शन। अगर आप अपनी वॉच में कॉल को रिसीव नहीं करना चाहते तो आप कॉल के फीचर को ऑफ भी कर सकते हो। तो आपको जाना है अपने फोन के BT सेटिंग्स में, BP लॉन्ग टैप कीजिए, और यहाँ पे होगा फायरबोल्ट 094, इस पे आपको टैप करना है। अब आपकी वॉच हो जाएगी अनपेयर, मतलब कि अगर आपको अब कोई भी कॉल आएगा तो आप अपनी वॉच में उसे रिसीव नहीं कर पाओगे, हालांकि आपको पता चलेगा किसका कॉल आ रहा है। कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा, आपको मिलेंगे दो ऑप्शन, आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट, कट करने का ऑप्शन है, और इस कॉल को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन है। अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो एक्सेप्ट होगा आपके फोन में, वॉच में कॉल एक्सेप्ट नहीं होगा, यहां से जो प्रीव्यू है रिमूव हो जाएगा और कॉल चालू हो जाएगा आपके फोन में। अगर आपको कॉल के फीचर को यूज करना है तो आपको फायरबोल्ट 094 पे टैप करके इसे पेयर करना है, इसके बाद आपकी वॉच में आप कॉल को रिसीव कर पाओगे। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी SMS आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो SMS आ चुका है, जब SMS आता है डिस्प्ले ऑन होता नहीं है, हालांकि वॉच करती वाइब्रेट, तो आपको डिस्प्ले को ऑन करना पड़ेगा। और ये है वो SMS जो आपने रिसीव किया है, कॉन्टैक्ट का नाम नंबर शो करेगा, और यहाँ पे हिंदी फॉन्ट सपोर्ट करते लेकिन इमोजी सपोर्ट नहीं करते, और आप इस मैसेज को इस तरीके से रीड कर सकते हो स्वाइप अप या डाउन करके, मतलब कि अगर आप होम पेज पे करोगे स्वाइप अप तो आपको यहाँ पे मिलेंगे सभी मैसेज, आपको जिसे रीड करना है आपको उस पे टैप करना है, इस तरीके से आप उस पूरे मैसेज को रीड कर पाओगे। SMS के लिए यहाँ पे 6-7 लाइन शो की जाती है, अगर आप चाहो तो यहाँ से उसे डिलीट भी कर सकते हो। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी WhatsApp मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में।
तो व्हाट्सएप मैसेज भी आ चुका है लेकिन डिस्प्ले ऑन होता नहीं है, वॉच करती वाइब्रेट, आपको डिस्प्ले को ऑन करना पड़ेगा। और ये है व्हाट्सएप मैसेज, आप इस तरीके से इसे रीड कर सकते हो। यहाँ पे व्हाट्सएप के लिए शो करती है 6 से 7 लाइन। अगर आपको सभी मैसेज को एक साथ डिलीट करना हुआ तो नीचे आपको मिलेगा क्लियर ऑल का ऑप्शन, आप सभी मैसेज को एक साथ कर सकते हो क्लियर। आप अपने यहाँ पे एक साथ पिछले 10 मैसेज को रीड कर सकते हो। ये है एंटी लॉस्ट रिमाइंडर। तो अगर आपने इसे ऑन किया तो अगर आपकी वॉच आपके फोन के साथ कभी भी डिसकनेक्ट होती है तो आपकी वॉच में आएगा एक वाइब्रेशन अलर्ट। ये है डीएनडी। तो अगर आप डीएनडी को ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल्स नहीं आएंगे, इसके अलावा आपकी वॉच में कोई भी वाइब्रेशन या साउंड प्ले नहीं होगा। अलार्म जो है आप अपनी वॉच से भी सेट कर सकते हो, हम अपनी वॉच से ही सेट करेंगे। आगे है सेडेंटरी रिमाइंडर। तो अगर आपने इसे ऑन किया तो आपको यहाँ पे इंटरवल सेट करना है 1 आवर। इससे होता क्या है, अगर आप 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो आइडली, 1 घंटे के दौरान ना आप चले ना आप उठे, तो आपको हर घंटे आपकी वॉच में आएगा एक अलर्ट कि अब आपको चलना चाहिए उठना चाहिए। और जो टाइम आप यहाँ पे सेट करोगे उस टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा आपकी वॉच में। आपको अपनी वॉच में डेट कौन से फॉर्मेट में शो करनी है तो मैं यहाँ पे सेट करूंगा डेट, मंथ और ईयर कन्फर्म। ये है वाइब्रेशन। तो अगर आपकी वॉच में कोई भी अलर्ट या मैसेज आएगा तो आपको कितनी बार वाइब्रेशन चाहिए आपकी वॉच में, तो यहाँ पे है अलग अलग ऑप्शंस। अगर आपको नहीं चाहिए तो ऑफ पे सेट कीजिए, अगर आपको चाहिए 1 बार तो 1 टाइम, अगर आपको चाहिए 3 बार तो 3 टाइम्स, आप अपने हिसाब से सेट कीजिए कंफर्म। ये है बैकलाइट, मतलब कि स्क्रीन टाइम आउट यहाँ पे सेट किया गया है 5 सेकंड्स। इसका मतलब क्या होता है, डिस्प्ले अगर ऑफ है, अगर मैंने इसे ऑन किया तो अब ये 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। तो अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसे कर सकते हो मैक्सिमाइज 20 सेकंड तक। मैं सेट करूंगा इसे 15 सेकंड, मतलब कि 15 सेकंड। डिस्प्ले अब मेरा, मैं ऑन करूंगा इसे तो 15 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। आगे है रेस्ट वेक का फीचर। तो आप यहां से इसे ऑन ऑफ कर सकते हो और यहां पे टाइम भी सेट कर सकते हो। जो टाइम आप यहां पे सेट करोगे उस टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा आपकी वॉच में। तो इसका मतलब क्या होता है, मान लेते हैं आपने अपनी वॉच को पहना हुआ है, आपको डिस्प्ले को ऑन करना है टाइम को देखने के लिए, तो आपको अपनी वॉच को या कलाई को ऊपर की ओर रेस्ट करना है, डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। अगर नीचे करोगे तो ऑफ हो जाएगा। अगर आपको इसे यूज करना है हमेशा के लिए तो आपको यहां पे टाइम सेट करना है 00 to 00। आगे है एचआर सेटिंग्स, मतलब कि ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजरमेंट। तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में आपका हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता रहे तो आपको इसे ऑन करना है और यहां पे टाइमर सेट करना है। यहां पे सेट किया गया है 30 मिनट, मतलब कि मेरी वॉच में हर आधे घंटे के बाद हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता रहेगा। अब जितना टाइमर कम रखोगे उतनी बैटरी ज्यादा ड्रेन होगी आपकी वॉच में। तो अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए तो रखिए 2 आवर्स, या फिर आप इसे सिंपली ऑफ कर सकते हो। अगर आप ऑफ करोगे मतलब कि आपकी वॉच में ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजर नहीं होगा, लेकिन आप जब चाहे तब अपनी वॉच में मैनुअली हार्ट रेट को मेजर कर पाओगे बड़ी आसानी से। और आप यहाँ पे टाइम भी सेट कर सकते हो, जो टाइम आप सेट करोगे उसी टाइम के दौरान आपकी वॉच में हार्ट रेट होगा मेजर। यह है पीरियड ट्रैकर। तो अगर आप एक फीमेल हो, अगर आपको अपनी वॉच में पीरियड ट्रैकर को ऑन करना हुआ तो आपको इसे ऑन करना है और यहाँ पे अपने हिसाब से सेटिंग्स को सेट करनी है। यह है कैमरा, आपको इस पे टैप करना है, वाइल यूजिंग दी ऐप पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए, फिर से आपको कैमरा पे टैप करना है। आपके फोन में ओपन होगा कैमरा और आपकी वॉच में ओपन होगा शटर बटन, आपको टैप करना है। आपके फोन में फोटो कैप्चर हो जाएगी, जो भी फोटो आप क्लिक करोगे यहां से आप उन्हें देख पाओगे और यहां से आप कर पाओगे कैमरा को रोटेट। आगे फर्मवेयर अपडेट। तो अगर आपको चेक करना हो अपडेट को तो आप यहां से चेक कर सकते हो, और अगर अपडेट अवेलेबल होगा तो आप यहां से उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। आगे फोन बुक, मतलब कि कॉन्टैक्ट को सेव करने का ऑप्शन। तो आपको इस पे टैप करना है, तो आपको करना है प्लस के साइन पे टैप। आप एक साथ यहाँ पे 20 कॉन्टैक्ट्स को सेव कर पाओगे अपनी वॉच में। जिन किसी कॉन्टैक्ट्स को आपको सेव करना है उसके सामने आपको मिलेगा बॉक्स, आपको उसमें टिक करना है। तो मैं अपने हिसाब से 20 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लेता हूं, तो मैंने अपने 20 कॉन्टैक्ट्स को कर लिया है सिलेक्ट। आपको करना है डन पे टैप, तो ये जो कॉन्टैक्ट्स है आपकी वॉच में अब शो करेंगे। अगर आपको इनमें से किसी को भी रिमूव करना हुआ तो आपको ऐसे स्वाइप करना है और करना है डिलीट। अगर आपको ऐड करना है तो प्लस के साइन पे टैप करके आप फिर से उसे ऐड कर सकते हो, सेव करने के लिए बैक जाइए। आगे है स्टॉक मार्केट। तो अगर आपको स्टॉक के प्राइस को रियल टाइम में ट्रैक करना हुआ तो आप अपनी वॉच में जो चुनिंदा स्टॉक्स है उन्हें ऐड कर सकते हो, ताकि आप उनकी प्राइस को जब चाहे तब चेक कर सको। तो आपको स्टॉक मार्केट पे टैप करना है, लॉग इन करना पड़ेगा आपको एशिया पैसिफिक, ईमेल पे टैप कीजिए नीचे और यहाँ पे करना है वेरिफिकेशन कोड लॉग इन। आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है, उसके बाद करना है गेट वेरिफिकेशन कोड। आपकी ईमेल आईडी पे जाएगा एक कोड, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है, फिर करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको फिर से ऐसा ऑप्शन आएगा, फिर आपको करना है नेक्स्ट।
नेक्स्ट करते रहना है। फिर आपको जाना है स्टॉक मार्केट में, ऐड पे टैप कीजिए, आपको स्टॉक का नेम एंटर करना है, सर्च करना है, जैसे कि अगर टाटा तो टाटा टाइप करके सर्च कीजिए, टाटा के सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे शो करेंगे। अब आपको इनमें से जिसे ऐड करना है उन्हें इस तरीके से आपको करना है सिलेक्ट, तो वन बाय वन आपको ऐसे ऐड करते रहना है सर्च करके। तो आप इस तरीके से मैक्सिमम 5 स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो, जो भी स्टॉक्स आप ऐड करोगे आप उन्हें देख पाओगे अपनी वॉच में भी। अगर आपको इनमें से किसी को भी रिमूव करके किसी और को ऐड करना हुआ तो आपको सबसे पहले इनमें से किसी को करना पड़ेगा डिलीट, इस तरीके से स्वाइप करके करिए डिलीट, उसके बाद आप ऐड कर सकते हो किसी नए स्टॉक्स को। ये है वर्ल्ड क्लॉक, तो आप दुनिया के 5 अलग अलग सिटी के नाम को ऐड कर सकते हो ताकि आप उनके टाइम को जब चाहे तब चेक कर सको। तो आपको इस पर टैप करना है, ऐड कीजिए, जिस किसी सिटी को आपको ऐड करना है आपको सर्च करना है उस सिटी को, जैसे कि पेरिस, तो आपको ऐसे सिलेक्ट करना है। सेम तरीके से अगर आपको रिमूव करना हुआ तो ऐसे स्वाइप कीजिए रिमूव करने के लिए, ऐड करने के लिए फिर से ऐड पर टैप कीजिए। और ये है लास्ट में मी का टैप, मतलब कि प्रोफाइल सेटिंग्स, तो आपको इस पर टैप करना है। यूजर प्रोफाइल पर टैप करके आप यहां से अपनी प्रोफाइल फोटो, निकनेम, जेंडर, बर्थडे, हाइट, वेट और ईमेल एड्रेस को चेंज कर सकते हो जब चाहे तब। फिर आपको सेव पर टैप करना है। आप अपने इस ऐप के डेटा को गूगल फिट के साथ भी सिंक कर सकते हो, तो आपको जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे है गूगल फिट, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद इस ऐप में जो भी आपका एक्टिविटी और हेल्थ डेटा होगा वो आपको शो करेगा गूगल फिट में भी। अब बात करते हैं होम पेज की, जहां पे आपको शो करेगा आपका आज का एक्टिविटी और वाइटल डेटा। तो ये है आज के स्टेप्स, किलो कैलोरी एनर्जी और आज का डिस्टेंस। इसके अलावा आप अपनी वॉच में जो भी वाइटल मेजर करोगे, जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, SpO2 और स्ट्रेस, तो उसका डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा। आप टैप करके उसे चेक कर सकते हो डिटेल में। और ये है स्लीप डेटा, तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में आपका स्लीप डेटा मेजर हो तो आपको अपनी वॉच को सोने के दौरान पहने रखना है, तो उसके बाद आपकी वॉच में होगा रिकॉर्ड स्लीप डेटा और यहाँ पे उसका टाइम शो करेगा, आप कितना टाइम सोए और यहाँ पे आपके अलग अलग स्लीप स्टेजेस और उसका टाइम। तो हमने इस ऐप के जरिए अपनी वॉच को सेटअप कर लिया है, अब हम देखेंगे आपको अपनी वॉच को कैसे यूज करना है। इस वॉच में आपको मिलती है 2 बटन्स, ऊपर और नीचे। नीचे वाले बटन पे प्रेस करके आप वर्कआउट मोड को एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। जो ऊपर वाली बटन है वो है 2-in-1, मतलब कि आप इस पे प्रेस भी कर सकते हो और इसे कर सकते हो रोटेट। बात करते प्रेस फंक्शन की, तो अगर आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ है तो उसे ऑन करने के लिए आपको इस पे प्रेस करना है, डिस्प्ले हो जाएगा ऑन। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको जाना हुआ डायरेक्ट होम पेज पे, तो आपको इस पे प्रेस करना है डायरेक्ट होम पेज पे जाने के लिए। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बैक जाना हुआ तो आपको इसे स्वाइप राइट करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा सिस्टम मेनू, जिसमें होंगे 3 ऑप्शंस, इस वॉच को स्विच ऑफ करने का, रिसेट करने का और इस वॉच को रिस्टार्ट करने का। होम पेज पे होते हुए अगर आप इस पे प्रेस करोगे तो आप एक्सेस कर पाओगे मेन मेनू को, ये है मेन मेनू। और अगर आपको मेनू स्टाइल को चेंज करना हुआ तो आपको मिलेंगे 3 स्टाइल, आपको इस पे डबल प्रेस करना है मेनू स्टाइल को चेंज करने के लिए इस तरीके से। अब बात करते हैं इसके रोटेट फंक्शन की, तो अगर आप होम पेज पे होते हुए इस पे करोगे रोटेशन तो आप वॉच फेस को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां पे अगर आपको नेविगेट करना हुआ ऊपर या नीचे, तो आपको इस पे करना है रोटेट ऊपर नीचे करने के लिए मेनू में। होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, नीचे डेट, डे और बैटरी लेवल शो किया जाएगा। सबसे पहला जो टॉगल है वो है AUD को ऑन करने का, तो अगर आपने इसे ऑन किया तो आपकी वॉच अब 5 मिनट के लिए ऑलवेज ऑन रहेगी, मतलब कि आपकी वॉच में कभी भी स्क्रीन ऑफ नहीं होगी, 5 मिनट के लिए स्क्रीन ऑन ही रहेगी। यह है मीडिया ऑडियो का टॉगल और यहाँ पे शो कर रहा है फोन का आइकन, मतलब कि आप अपने फोन में जो भी मीडिया प्ले करोगे, जैसे कि कोई म्यूजिक वीडियो या यूट्यूब, तो उसका साउंड प्ले होगा आपके फोन में। लेकिन अगर आप इसे चेंज करोगे तो अभी यहाँ पे शो करेगा वॉच का आइकन, मतलब कि अगर आप कोई भी मीडिया प्ले करोगे आपके फोन में तो उसका साउंड प्ले होगा आपके वॉच में। तो जो भी साउंड होगा आपको कहां पे प्ले करना है फोन में या वॉच पे, तो आप यहां से चेंज कर सकते हो। DND को ऑन ऑफ करने का टॉगल यहां पे दिया गया है, आगे है ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का टॉगल, तो टैप करोगे तो ब्राइटनेस को यहां से एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। और एंड में है सेटिंग्स, इसमें सबसे पहले है ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का ऑप्शन, आप यहां से भी एडजस्ट कर सकते हो। DND को आप यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। लैंग्वेज स्विच, आपको ऑटो सिंक को ऑन रखना है। इसके बाद है मेनू स्टाइल, जो हम देख चुके हैं, लिस्ट जो है इस तरीके से शो करेगा, जैसे कि मैंने बताया था ये लिस्ट है। ये है सेलुलर और ये है रोलिंग। आगे है सिस्टम मेनू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 ऑप्शंस,
स्विच ऑफ करने का, रिसेट करने का और रिस्टार्ट करने का। आगे है स्टैंड बाय डायल, मतलब कि एओडी को ऑन करने का फीचर, तो आपको इस पे टैप करके इसे ऑन करना है। आपको मिलेंगे दो स्टाइल, डिजिटल और पॉइंटर। मैंने मान लेते हैं किया है डिजिटल, तो अगर मेरी वॉच में डिस्प्ले ऑफ होगा तो इस तरीके से एओडी शो करेगा हमेशा के लिए, आवर मिनट और यह डेट। हालांकि ब्राइटनेस काफी कम है, लेकिन फिर भी इस तरीके से हमेशा के लिए ये जो क्लॉक है आपकी वॉच में शो होगी। अगर आपने इसे सेट किया पॉइंटर पे तो आपको इस तरीके से एओडी शो की जाएगी आपके फोन में, जहां पे 3, 6, 9, 12 आवर लिखा हुआ है और यहां पे आपको मिलेंगे दो हैंड्स आवर और मिनट के लिए। और अबाउट में जाकर अगर आप यहां पे 7 times टैप करोगे लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो आपको यहां पे मिलेंगे हार्डवेयर टेस्ट का फीचर। तो आप जो अपने अलग अलग हार्डवेयर है इस वॉच में उसे आप टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि हार्ट रेट सेंसर को, माइक्रोफोन को, स्पीकर को, इस तरीके से टेस्ट कर सकते हो। होम पेज पे अगर आप स्वाइप लेफ्ट करोगे तो आपको मिलेंगे शॉर्टकट्स। सबसे पहले है एक्टिविटी पेज, मतलब कि आज के स्टेप्स, कैलोरी और डिस्टेंस। इसके आगे है हार्ट रेट को मेजर करने का ऑप्शन। इसके बाद है स्ट्रेस को मेजर करने का ऑप्शन। आगे है SPO2 को मेजर करने का ऑप्शन। म्यूजिक प्लेयर है, तो आपको प्ले करना है म्यूजिक को। प्ले करने के लिए म्यूजिक अगर प्ले नहीं होता तो आपको अपने फोन में म्यूजिक प्लेयर को ओपन करना है, म्यूजिक को प्ले करना है। इसके बाद म्यूजिक प्ले होगा, आप वॉल्यूम को यहां से एडजस्ट कर सकते हो, प्रीवियस, नेक्स्ट, और आप यहां से क्विकली जो म्यूजिक आउटपुट है उसे चेंज कर सकते हो, मतलब कि जो म्यूजिक है प्ले हो रहा है वॉच में, आप चाहते हो म्यूजिक प्ले हो मेरे फोन में तो आपको इस पर टैप करना है, म्यूजिक प्ले होगा आपके फोन में। वापस आना है वॉच में, टैप कीजिए, अप्ले हो रहा है वॉच में। इस तरीके से आप म्यूजिक आउटपुट को चेंज कर सकते हो इंस्टेंटली वन टैप में। इसके आगे है वेदर, अभी फिलहाल कितना है आज का मैक्सिमम मिनिमम और आने वाले अगले 3 दिन का मैक्सिमम मिनिमम वेदर शो करेगा यहाँ पे। और ये है ऐप QR कोड, तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए ये QR कोड दिया गया है, हालांकि हमने पहले ही इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है। इसके बाद है कॉल का फीचर, तो जो भी कॉन्टैक्ट्स आपने ऐड किए हैं आपके ऐप में ये कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे शो करेंगे। अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए, इस तरीके से। ये है डायल, तो आप किसी भी नंबर को डायल करके बड़ी आसानी से कॉल कर सकते हो इस तरीके से। यह है कॉल हिस्ट्री, तो जो भी आपके पिछले कॉल से यहां पे शो करेंगे। अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए। और अगर आप चाहो तो अपने कॉल हिस्ट्री को कर सकते हो डिलीट, आपको मिलेगा नीचे डिलीट का यह बटन। अब बात करते हैं मेनू की, तो आपको इस पर प्रेस करना है मेनू को एक्सेस करने के लिए। सबसे पहले है स्पोर्ट्स, मतलब कि वर्कआउट मोड, तो आपको इसे ओपन करना है। यहां पर प्ले से सेट किए गए हैं 10 वर्कआउट मोड, अगर आप चाहो तो यहां पे ऐड कर सकते हो और इनमें से किसी को निकालना हुआ तो उसे रिमूव भी कर सकते हो। तो आपको नीचे मिलेगा पेंसिल का आइकन, आपको इस पर टैप करना है। रिमूव करने के लिए आपको क्रॉस पर टैप करना है, इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो किसी भी वर्कआउट को। अगर आपको ऐड करना हुआ तो प्लस पर टैप कीजिए, कैटेगरी को ओपन कीजिए और जिसे ऐड करना है उसे ऐड कीजिए। आप मैक्सिमम 15 ऐड कर सकते हो, मतलब कि टोटल होंगे 25, इस तरीके से आपको ऐड करना है। टिक पे टैप कीजिए, सारे वर्कआउट आपको यहाँ पे शो करेंगे जो भी आपने ऐड किए हैं। अगर आपको इनमें से किसी को भी स्टार्ट करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे शो होगा आपका रियल टाइम हार्ट रेट डेटा, स्टेप्स, कैलोरी, एनर्जी और इस वर्कआउट को कितना टाइम हुआ है। अगर आपको इसे करना है पोज तो इस पर प्रेस कीजिए, ये हो चुका है पोज। एंड करने के लिए टिक पे टैप कीजिए। अगर आप चाहते हो आपका वर्कआउट डेटा सेव हो तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है, और जो भी आप वर्कआउट करोगे आपका डेटा यहाँ पे शो करेगा रिकॉर्ड में। यहाँ पे मोस्ट ऑफ चीजें हम देख चुके हैं, जो बाकी है वो है स्लीप डेटा, तो आपका यहाँ पे शो करेगा स्लीप डेटा, कितना टाइम आप सोए थे, इसके अलावा आपके अलग अलग स्लीप स्टेजेस और उसका टाइम। इसके बाद है ब्लड प्रेशर को मेजर करने का ऑप्शन, और है SPO2। इसके बाद है ब्रीदिंग वर्कआउट, तो आपको यहाँ पे टाइम को सेट करना है, स्पीड को सेट करना है और आपको फिर करना है स्टार्ट पे टैप। जो भी नोटिफिकेशन रिसीव होंगी आपको यहाँ पे शो की जाएंगी। अलार्म आप अपने यहाँ से ऐड कर पाओगे, आपको प्लस के साइन पे टैप करना है। टाइम सेट कीजिए आवर मिनट, इसके बाद AM PM आपको सेट करना है इस तरीके से। नेक्स्ट पे टैप कीजिए, कौन से दिन को आपको अलार्म को प्ले करना है आपको उन्हें चूज करना है और फिर करना है ओके पे टैप। आप मैक्सिमम यहाँ पे 5 अलार्म को ऐड कर पाओगे, जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ, और आप अलार्म को यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो
उस पर टैप करके उसे चेंज भी कर सकते हो या उसे आप इस तरीके से कर सकते हो डिलीट। इसके बाद है म्यूजिक, वेदर जो हम देख चुके हैं, कैमरा है, जैसे आप कैमरा पर टैप करोगे आपके फोन में ओपन होगा कैमरा, लेकिन कैमरा तभी ओपन होगा जब आपके फोन में ऐप ओपन होगा। अगर आपके फोन में ऐप ओपन नहीं है तो ऐसे में ये फीचर काम नहीं करेगा। आप देख सकते हो आपको ऐप को ओपन रखना पड़ेगा तभी ये फीचर काम करेगा। फिर आपको कैमरा पर टैप करना है, आप फिर टैप करके अपने फोन में फोटो कैप्चर कर सकते हो। इसके बाद है फाइंड फोन का फीचर, तो आप इस ऑप्शन के जरिए अपने फोन को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपने फोन को कहीं पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपके फोन में रिंग बजेगी। अगर आपका फोन साइलेंट पे भी होता है फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी। स्टॉप करने के लिए स्टॉप पे टैप कीजिए। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। फिर है स्टॉप वॉच, टाइमर, वॉल क्लॉक, जो भी आपने सिटी को ऐड किया है उसका टाइम आपको यहाँ पे शो करेगा, जैसे कि लंदन, न्यूयॉर्क। आप चाहो तो उन्हें यहाँ से कर सकते हो डिलीट। इसके अलावा ये है वॉइस असिस्टेंट, तो आपके फोन में अगर गूगल असिस्टेंट, सीरी या बिक्स भी है तो आप उसका यूज कर पाओगे। आपको इस पर टैप करना है। हाउ इज द वेदर टूडे? इट विल बी सनी विद अ हाई ऑफ 33 एंड अ लो ऑफ 24। इसके बाद है स्टॉक, तो जो भी आपने स्टॉक्स ऐड किए आपके ऐप में 5 स्टॉक्स यहाँ पे शो करेंगे। ग्रीन में मतलब कि प्रॉफिट में है और कितना प्रॉफिट हुआ है उसका परसेंटेज यहाँ पे शो किया जाएगा। रेड में मतलब कि लॉस में। आप यहाँ पे टैप करके डेटा को कर सकते हो रिफ्रेश। स्टैंड बाय डायल हम पहले ही देख चुके हैं और ये सेटिंग्स ये भी हम पहले ही देख चुके हैं। दोस्तों तो ये था फायरबोल्ट लेगेसी का फुल सेटअप गाइड। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।